तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो पहले के एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे चैनल पर 200 से भी ज्यादा वीडियो पर कॉपीराइट ट्रिक स्ट्राइक आ गई है, जिसकी वजह से मेरा चैनल डूबती कश्ती के किनारे पर खड़ा है। बस अब यूट्यूब ने एक और लहर मार ली और मेरा चैनल पानी में गिर जाना है। एंड ये ना हो इसलिए मैंने बाकी कुछ वीडियो को प्राइवेट कर दिया है और शायद इस चैनल पर कुछ दिनों तक कोई वीडियो ना आए। और तुम लोगों ने घबराना नहीं है, मैंने ऑलरेडी एक सेकंड चैनल को क्रिएट कर लिया है जिसका नाम बेस्ट एक्सेलर मैक्स है। हम यहाँ की सारी एनिमी सीरीज को उस चैनल पर कंटिन्यू करेंगे, इसलिए उस चैनल को सब्सक्राइब और मुझे डूबने से बचा लो। मैं इस चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तुम लोग वहां से इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक पैट्रिच अपने गार्ड से पूछता है कि आखिर वो कितने आदमी थे। तो गार्ड कहता है कि सरकार एक, और उसे एक नहीं सबकी बैंड बजा दी। तो पैट्रिच गुस्से में कहता है कि तुम लोग तब क्या कर रहे थे, हिजरों की तरह बस मच्छर मार रहे थे। पर तभी पैट्रिच के पास बैठे दो लुटेरे कहते हैं कि सरकार आप यह मसला हम पर छोड़ दें, हम अभी आपके टेंजी सिटी को वापस आपके हाथ में लाते हैं और जिसने भी आपके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश उसकी कटी हुई टांगे भी आपके पास लाते हैं। पर अचानक वैंगहॉर सुशन वहाँ आते हैं और वैंगहॉर कहता है कि माँ सदके जाए तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम लोगों के पास आ गया हूँ। तो वैंगहॉर को अपने सामने देख गार्ड काफी ज्यादा डर जाते हैं, पर पहला लुटेरा सीधा वैंगहॉर पर अटैक कर देता है। मगर सुशन उसके अटैक को रोकते हुए अपनी स्टिक से उस पर अटैक करता है, जिससे वो काफी दूर जा गिरता है। तो फिर दूसरा लुटेरा अपनी चेन बॉल से अटैक करता है और सुशन उसकी चेन बॉल को पकड़ लेता है और एक किक मारता है, जिससे वो भी काफी दूर जा गिरता है। तो अपने खतरनाक लुटेरों को इतना बुरे क्रिकेट से पिटता देख पैट्रिच फौरन क्रिकेट की तरह रंग बदल लेते हैं और कहता है कि मास्टर वैंगहॉर लड़ाई में क्या रखा है, आइए बैठ के बात करते हैं। पर ताई कहता है कि नहीं, हम यहाँ पर अपने डोंगचुंग पवेलियन के मेंबर को इंसाफ दिलवाने आए हैं। और फिर वो उस ओल्ड मैन से पूछता है कि बताइए क्या ये वही था। तो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ हाँ ये वही कमीना है जो मेरी बेटी को उठा ले गया था, वो अभी बस 15 की हुई थी और ये उसे उठाकर अपने मेंशन में ले आया। तो पैट्रिच कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। और वो ताई से कहता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं इसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ताई कहता है कि आखिर मैं कैसे इंटरफेयर ना करूं, ये मेरा भी पर्सनल मैटर है, ये ओल्ड मैन मेरे दूर के भाई के चाचा के कजन के बेटे का अंकल लगता है। तो ताई का इतना लंबा रिश्ता सुनकर ओल्ड मैन भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये कब हुआ। तो फिर पैट्रिच कहता है कि तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। एंड तभी वो अपनी पावर का यूज करके मेंशन के सभी दरवाजे बंद कर देता है। तो ताई कहता है कि ओह थैंक यू, तुमने तो हमारा काम और आसान कर दिया। तो ताई की बात सुनकर पैट्रिच को और गुस्सा आ जाता है और वो सभी गार्ड से कहता है कि जान से मार दो इनको। इस पर ताई फौरन से ओल्ड मैन की आंखों पर हाथ रख लेते हैं और कहता है कि अंकल आप अपनी आंखें बंद कर लो, अभी ये खून खराबा देखने की आपकी उम्र नहीं है। देन हम मेंशन के बाहर काफी लोगों को देखते हैं जो कहते हैं कि अंदर तो काफी धमाकेदार फाइट चल रही है, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा। तो एक टकला कहता है कि मास्टर वैंगहॉर जीतेंगे। और फिर हम दो एल्डर को देखते हैं जिन्हें ताई ने कल बहुत ही ज्यादा कूटा होता है, वो मेंशन के पास आकर कहते हैं कि मास्टर वैंगहॉर क्या हम अंदर आ जाएं। तो वैंगहॉर अंदर से रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ आ जाओ, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा लेट आए हो। तो वो एल्डर कहते हैं कि मास्टर वैंगहॉर माफी, हम इस बात के लिए माफी मांगते हैं। देन हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ मेंशन से बाहर निकलते और वहां से चला जाता है। तो फिर हम मेंशन के अंदर ताई को देखते हैं जो पैट्रिच को लूट रहा होता है और वो उसकी एक रिंग निकाल कर उसके अंदर से सारा सोना बाहर निकालता है। एंड वो सोना इतना ज्यादा होता है कि सिटी के सभी लोग उस सोने को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। तो फिर ताई अनाउंस करता है कि ये सोना तुम लोगों का ही है, तुम लोग इसे आपस में बांट लेना, एंड अगर कोई हमारा डोंगचुंग पवेलियन ज्वाइन करेगा तो उसे इससे भी ज्यादा सोना और बेनिफिट मिलेंगे। तो बताओ क्या तुम में से कोई डोंगचुंग पवेलियन को ज्वाइन करना चाहेगा। तो वो सभी लोग खुश होते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ जरूर क्यों नहीं। तो फिर वो दोनों एल्डर मोटू पतलू वैंगहॉर के पास आते हैं और कहते हैं कि मास्टर वैंगहॉर खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है, अगर आप इस सिटी को पूरी तरह से सेव करना चाहते हो तो आपको इस सिटी के मेयर से फाइट करनी होगी जो आज रात ही यहाँ पर आएगा। तो वैंगहॉर कहता है कि तुम फिक्र न करो, मैंने उसका भी बंदोबस्त सोच लिया है। और फिर हम रात के अंधेरे में मेयर को देखते हैं जो मेंशन के अंदर आता है, पर उसे कुछ अजीब फील होता है तो वो फौरन अपने सामने अटैक करता है, मगर उसका वो अटैक पैट्रिच को लग जाता है और वो वहीं पर ही मर जाता है। तो फिर वैंगहॉर वहां आता है और कहता है कि ये क्या मेरे पवेलियन में खून, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और वो मेयर पर अटैक करता है। तो मेयर जंप लगाकर उसे अटैक से बचने लगता है, पर साइड से सुशन और ताई का अटैक उसे लगता है, जिससे वो वापस नीचे गिर जाता है। तो फिर मेयर गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि मुझे पता चल गया है ये सब तुम लोगों की चाल है, और वो एक गोस्ट टेक्निक से उन तीनों पर अटैक करता है, पर वो तीनों उस अटैक को डोज कर लेते हैं। तो फिर मेयर खुद के गोश्त पे बदल जाता है और सुशन पर अटैक करने लगता है, मगर वैंगहॉर से बचा लेता है। तो फिर मेयर दोबारा अटैक करने के लिए आता है, पर वैंगहॉर अपनी थंडर पावर से उस पर अटैक करता है, जिससे वो इंजर्ड हो जाता है और वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। मगर वो फिर भी हार नहीं मानता और एक आर्डर टोकन से वैंगहॉर पर अटैक करता है। तो वैंगहॉर अपनी डस्ट एसोर्ड के स्लैश अटैक से उस आर्डर टोकन को रोकने लगता है, और रोक नहीं पाता क्योंकि वो आर्डर टोकन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और कुछ ही सेकंडों में वैंगहॉर के स्लैश को खत्म कर देता है। तो ये देखकर वैंगहॉर काफी हैरान होता
होते हैं और फौरन से एम्परर पंच से उस टोकन पर अटैक करता है, जिससे वो टोकन फुल स्पीड में वापस जाता है और मेयर के आर पार हो जाता है। एंड यहीं पर हमारा बेचारा मेयर पुक जाता है, मतलब खत्म, टाटा बाय बाय हो जाता है। देन नेक्स्ट सुबह मॉर्निंग में वैंगो एक बोर्ड लगाता है जिसमें सिटी का नाम बदल कर वापस से होली सिटी रख दिया जाता है। एंड उस बोर्ड पर सिटी के बारे में काफी रूल भी लिखे होते हैं कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया तो उसे सजा भी दी जाएगी। तो ये सब पढ़कर सिटी के लोग बहुत खुश होते हैं कि अब उनके अच्छे दिन शुरू हो गए। तो पहलू आज का एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। एंड सैकी चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके नेक्स्ट एपिसोड सैकी चैनल पर ही आएंगे। एंड सैकी चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में होगा।